Welcome everyone, welcome to my first ever vlog. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. ये वीडियो जो है मैंने पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करके अब मैंने ये फर्स्ट क्लिप बनाया है क्योंकि मैं भूल गई थी। आप लोग देख रहे हैं कि हम इस गाड़ी में पूरे नहीं आ रहे क्योंकि हम चार बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं मेरे जीजू का। आपसे मिलते हैं दूसरी गाड़ी में। बाय बाय। ये मेरे अब्बा हैं जो कि बाहर खड़े होकर मेरे जीजू का वेट कर रहे हैं, और ये है मेरे अब्बा की बीवी, उनके पैसे खाने वाली, उनकी जीना हराम करने वाली। पढ़ाएगा ना मेरे अब्बा को कोई होश ही नहीं। ये इन्होंने देख लिया मुझे। मैं दरमियान में नहीं बैठूंगी। क्यों ना यार, नहीं 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 आओ मेरी प्यारी बहन। मैं आ गई हूँ नेक्स्ट गाड़ी में। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं अब जा रही हूँ अपनी जीजू की गाड़ी में। और ये नहीं मेरी जीजू गाड़ी, क्योंकि उस गाड़ी में हम बहुत तंग थे। अब यहाँ फाइनली खैबर पख्तूनख्वा, द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो आवाज थी ये जो और हम जो है खैबर पख्तूनख्वा में इंटर हो गए, तो इसलिए हम तो अभी शरीफ हो गए। और अभी हमारे जीजू चाहते हैं कि वो हमें चाट और समोसे खिलाए। तो ये चाट दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है, अब इसको ट्राई भी कर लेते हैं। आपको कैसे लगा चाट? दबा वाला कैमरा पे लगा रही सही बात है। तब मैं इसको डालूंगी, इसको ट्राई करती हूँ। बहुत अच्छा। तुम्हें ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब
अभी मैं आप लोग को करवाऊंगी काका सेठ के दरबार। यहाँ मैं अब आई हूँ काका सेठ के दरबार में, जो कि बहुत जाना माना दरबार है और हम इन्हीं के नस्ल में से, तो मैं चाहूँगी कि मैं अभी आपको ये सारा एक्सप्लोर करके। कब्र से ये पता लगता है कि उस जमाने में कितने लंबे लंबे लोग हुआ करते थे। आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? क्योंकि आराम करने की जगह है, थक गए हो क्या? बेशक कब्रिस्तान आखिरी आराम का है। ऐसी है कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैंने सारा दरबार देख लिया है और इधर इतनी सख्त गर्मी है, लेकिन मैं अपने हम सब अपने बाबा का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो हम अपना पढ़ाव आगे लेकर जाएंगे। और मेरे ख्याल से वो आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और जिन पे जिन्नात का साया होता है वो यहाँ आके उनसे चले जाते हैं। ये लोगों का कहना है, मैं
सही से कह नहीं सकती कि हाँ ये सही है। शाम होने से पहले पहले यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जिन्नात रहते हैं। तो ख़राब हो चुकी है, लेकिन यहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इतना सारा पानी है यहाँ पे। और वैसे भी पानी को देख के मैं दिल करता है कूद जाऊँ, लेकिन ये गहरा पानी इसलिए मैं कूद नहीं रही। पहले मुझे यहाँ लेकर आए कि मैं अपनी वीडियो व्लॉग के लिए शूट करूँ, और ख़ुद गाड़ी में जा कर बैठ गए और अब मेरे पे जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। तो आप लोग मुझे यहाँ ले कर क्यों आए हो? गाड़ी हमारी फंस गई, दरवाजा बंद करो। ये तुम्हारा वजन था। हम तो दिल से हारे। अंदर जाओ क्या?
चलो नेक्स्ट शेर। हम तुम्हें अर्ज किया है, अर्ज किया है। इरशाद इरशाद, मेरी किस्मत में सब कुछ था, मेरी किस्मत में सब कुछ था, फकत भूल ना थे। अगर तुम भूल ना होते तो हमारी किस्मत में होते कुछ। ये दोनों, इनका वजन इतना ज्यादा था, इनका वजन इतना ज्यादा था। इनका वजन इतना ज्यादा था कि इनको गाड़ी से उतरना पड़ा, क्योंकि गाड़ी नीचे लग रही थी, इनको गाड़ी से उतरना पड़ा। गई है गांव में और अब जो है हम जा रहे हैं मर्दान। थक गई हूँ कि मैं बगैर जूतों के चल रही हूँ यहाँ पे। हम पहुंच आए हैं पप्पो के घर। हाय, ये थी मेरे व्लॉग की सबसे आखिरी क्लिप है और आप मेरी हालत देख ही सकते हैं कि मैं फर्स्ट क्लिप में क्या थी और अब क्या हूँ। छोड़े, मैं आखिर में यही कहूँगी जो सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से जाकर सो जाऊँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।